नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूलनिवासी। मिलिंद प्रश्न, उपमा कथा चार, मादा चीता का एक गुण। साथियों, मिलिंद प्रश्न में राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि एक भिक्षु को अर्हत बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए। तो भिक्षु नागसेन उन्हें 104 गुणों के बारे में बताते हैं, जिसे मिलिंद प्रश्न में उपमा कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस वीडियो में उपमा कथा चार के बारे में बताया गया है। राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते नागसेन, आप जो कहते हैं कि मादा चीता का एक गुण होना चाहिए, वह एक गुण कौन सा है? भिक्षु नागसेन जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, मादा चीता एक ही बार गर्भ धारण करती है, दूसरी बार नर के पास नहीं जाती। वैसे ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्कू ने भी गर्भ में आना, जन्म लेना, मर जाना, नष्ट हो जाना, बूढ़ा हो जाना और संसार की बुरी से बुरी दुर्गतियों के भय को देख आवागमन से मुक्त हो जाने का संकल्प कर लेना चाहिए। महाराज, सुत्त निपात धनियो गोपाल सुत्त में भगवान बुद्ध ने कहा भी है कि सांड के समान रस्सी को तोड़, हाथी के समान पुतिलता को नोच नाच, मैं फिर भी गर्भ में नहीं आ सकता। मेघ यदि चाहो तो खूब बरसो।